हाय नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे फायर एंड सेफ्टी एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो आज जानेंगे हम कि जब हम मटेरियल को लिफ्टिंग कर रहे हैं क्रेन के द्वारा, तो क्रेन के जो रोप होते हैं तो वो कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो हम उससे जानने के प्रयास करेंगे कि जो रोप है हम कितना उसका वजन उठा सकते हैं उससे, और उसका जो SWL है कैसे निकाल सकते हैं। SWL आपका मतलब होता है कि सेफ वर्क लिमिट, कि एक लिमिट होती है कि हम कितना वजन को उठा सकते हैं। तो हम जानेंगे इसमें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना mm का रोप होता है। अगर अगर मान लेते हैं कि 10 mm का है, 20 mm का है, तो हम कितना टन तक हम वजन उसे उठा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रोप का डायमीटर के माध्यम से, कि हम इतने वजन को उठा सकते हैं क्रेन के रोप के माध्यम से। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो आज जानेंगे SWL। SWL का मतलब होता है सेफ वर्क लिमिट, कि एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट होती है कि हाँ सेफ्टी के साथ एक सेफ जो आपका रोप है उसे कोई हजार्ड ना हो, कोई इंजर्ड ना हो, कोई व्यक्ति वहाँ पे इंजर्ड ना हो सके। तो हम क्या करते हैं, एक लिमिट जो हमारा होता है सेफ वर्किंग लिमिट, एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसके फॉर्मूला से हम निकालते हैं और हम जानते हैं कि कितना वजन तक हम उठा सकते हैं क्रेन के माध्यम से वजन। तो आइए, तो एक इसका होता है SWL का एक फॉर्मूला होता है D²×8। ये फॉर्मूला है आपका कि D²×8। तो हम क्या, D² मतलब क्या होता है, डाया। तो डायामीटर मान लेते हैं कि 10 mm का आपका रोप है, 10 mm का रोप है क्रेन का, तो हम इससे कितना वजन उठा सकते हैं हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम 10 mm के रोप से कितना वजन तक उठा सकते हैं, मटेरियल को, हैवी मटेरियल को, लाइट मटेरियल को, आइए जानते हैं। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले अगर 10 mm का, इफ़ रोप डायमीटर 10 mm, अगर आपका डायमीटर 10 mm का रोप है तो हम उसे कितना वजन उठा सकते हैं। तो हमने इस फॉर्मूला के ऊपर बैठाया है, तो डी मतलब होता है आपका डायमीटर, तो रोप आपका कितने का है, 10 mm का है। तो हमने क्या किया, D² है तो हमने 10×10 किया, मीन्स कि D² तो हमने 10×10 किया, और ये इंटू है तो इंटू लगाएंगे यहाँ पर, और 8 है तो 8 लगाएंगे, और फिर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारा आया 800, ये आया केजी में, 800 kg। मीन्स कि अगर केजी में जाने तो हम 10 mm के रोप से हम 800 kg तक मटेरियल को उठा सकते हैं। जब हम इसको टन में करेंगे तो आइए हम जानते हैं टन में कैसे करेंगे। तो हम फिर इसको कन्वर्ट किए कि इसमें टन में, तो टन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 1000, अगर मान लेते हैं कि ये आप पूछिएगा कि 1000 सर यहाँ पर कैसे आया, है ना। तो जब हम केजी का बात करते हैं तो एक 100 kg में आपका 1 क्विंटल होता है, 100 kg में 1 क्विंटल होता है ना। तो जब हम एक टन में जब हम इसको करेंगे, चेंज करेंगे तो 1000 से करेंगे, मीन्स कि 100 क्विंटल इजकल टू 1 टन आई थिंक होता है, आपको मैं बता दूं। तो हम इसको क्या किया, 800 से यहाँ पर 1000 में हमने क्या किया, भाग दिया। तो भाग जब दिए तो क्या आया इसको, 0.8। तो हमने इतना टन माल को उठा सकते हैं, 8 mm, 8 टन माल उठा सकते हैं हम, कितना, ये 10 mm के रोप से। ये जो है ये 10 mm का रोप है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे हम रोप का डायमीटर SWL निकालते हैं, कितना टन का उठाते हैं माल, और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चला है कि कैसे हम कि कैलकुलेट करते हैं, SWL कैसे निकालते हैं, कितना mm का रोप होता है तो कितना टन माल उसे उठा सकते हैं। मान लेते हैं, आइए एक और आपको हम बताते हैं, जैसे ये 10 mm का है ना, कोई 15 mm का हुआ है या फिर 20 mm का हुआ है कि नहीं, तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, D²×8, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पर D² कहीं 12 mm का है, ठीक है, कहीं 15 mm का है, 18 mm का रोप है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा, D²×8, यही फॉर्मूला हम लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर हमारा टन में निकल जाएगा। तो जितना टन में निकल जाएगा, अगर मान लेते हैं 15 mm का है, 18 mm का है, 10 mm का है,
तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई किए तो जितना हमारा निकल गया टन में, हमने 10 से किया यहाँ पर, तो हमारा कितना आया 0.8 टन। मीन्स कि 8 टन माल को हम उठा सकते हैं, 8 टन के मटेरियल को हम 10 mm के रोप से उठा सकते हैं, है नहीं? तो ये आपको अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल को हैंडलिंग करते वक्त या फिर मटेरियल को लिफ्टिंग करते वक्त क्रेन के द्वारा आपको इसका बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आपके जो ज़्यादा सेफ्टी फील्ड में हैं, जो हमारे दोस्त हैं सेफ्टी फील्ड में, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में हमें बताएं कि हम इसमें क्या और से और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। धन्यवाद।